Hello students, welcome once again to Dr. Saurav Sir's classes. आज का question आपके screen में है, क्या लिखा हुआ है हिंदी में पहले पढ़ते उसके बाद हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे. दिया गया है कि f of x comma y is equal to mod x square minus y square. ये आपको already दिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि modulus function जब हो तो क्या होता है. इजंट इट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हम लोगों को दिया है कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो अगर आप चाहते हो कि दोनों वैल्यू यूज़ करना, प्लस और माइनस आप दोनों यूज़ कर सकते हो, मैं बोलूँगा कि आप प्लस के साथ इस क्वेश्चन को करना. ओके, क्योंकि आप का माइनस के साथ भी वही आने वाला है. ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई तथा एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स एट 0 0 ज्ञात कीजिए. मतलब इसका और इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है आपको, अथवा अर्थात दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट 0 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स एट 0 0. आपको पता ही होना चाहिए कि ये पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट है. इज़न्ट इट, आपको आपने ऑलरेडी स्टडी किया ही होगा पार्शियल डेरिवेटिव्स. सो पार्शियल डेरिवेटिव्स का पार्ट है और पार्शियल डेरिवेटिव्स में आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे करके इसको निकालते हैं. तो बात करना बंद करते हैं और सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं. तो ये रहा सोल्यूशन. सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वाइट पेपर से ही, क्योंकि मेरे पास ज़रा सा स्पेस है. ओके, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ. सो सोल्यूशन, पहले एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. मैंने बोला पॉजिटिव वाले के साथ करना है, पॉजिटिव वाले के साथ करते हैं. ओके, नाउ we know what do we know? F of xy at 0 0 is actually equal to del x of f of y at x equal to 0 and y equal to 0. तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए. लिमिट ऑफ h tends to 0, f y of h comma 0 minus f y of 0 0 whole thing divided by an h. ठीक है, अब तो समझ में आया आपको क्या करना है. आपको निकालना है यहाँ पर से, आप स्टूडेंट्स लोग को निकालना है f of y at h comma 0 and f of y at 0 0. तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ वाई निकालना स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स प्लीज वॉच, एफ ऑफ वाई एट एच कॉमा 0 विल बी इक्वल टू डेल एफ बाय डेल वाई एट एक्स इज इक्वल टू एच एंड वाई इज इक्वल टू 0. जब ये हो जाए तो करना है लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ h कॉमा के माइनस f ऑफ, ये तो पता ही है आप लोगों को, बहुत बहुत सिंपल है ना, k. अब डालते हैं हम लोगों का फंक्शन f ऑफ h कॉमा k, इसका मतलब लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एंड यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, वहाँ k लिखा है और यहाँ मैंने h लिखा है, बड़ा बड़ा ब्लंडर है. ओके, आप मत करना प्लीज़, आप मैं तो इसको ठीक कर ही दूंगा एग्जाम टाइम में, आप मिस्टेक मत करना. सो यहाँ हो गया एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया एच स्क्वायर और ये हो गया आपका के. तो इवेंचुअली क्या हो गया, लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, यहाँ एच स्क्वायर और यहाँ एच स्क्वायर कट गया, बचा क्या, माइनस के. अब अगर 0 डालोगे तो ये हो गया 0. सो मिल गया है मुझे f ऑफ h कॉमा 0, इज़न्ट इट, ये तो हो गया मेरा.
ओके, अब निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं एफ ऑफ वाई ऑफ 0,0, ठीक है. सो एफ वाई एट 0,0 इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल वाई एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0. सो इधर होना चाहिए सेम लॉजिक, लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0,k माइनस एफ ऑफ 0,0 होल थिंग डिवाइडेड बाय अ के. सो दिस विल बी लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, यहाँ होगा आपका माइनस के स्क्वायर और यहाँ तो 0 हो गया. सो दैट इज के, इसका मतलब इसका आंसर भी आपका 0 मिला. समझ में आया? वेरी वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, ओके, नथिंग सो डिफिकल्ट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ मुझे 0 मिल गया है ऑलरेडी. अब मैं मेन फार्मूला में डालता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है. ओके, सो एफ ऑफ एक्स वाई 0,0, पहला वाला एक्स वाई था, राइट? यस, एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ 0,0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ वाई एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ वाई ऑफ 0,0 होल थिंग डिवाइडेड बाय एन एच. अब काम क्या है, सिंपल सा काम है, वैल्यू डालना है, इजंट इट? 0 यहाँ भी और 0 यहाँ भी और यहाँ h. अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये 0 हो गया. समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे इसका. तो अगेन पहला वैल्यू मुझे मिल गया. ओके, दिस इज, यू कैन मार्क दिस एज योर फर्स्ट आंसर. वी हैव फाउंड आउट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये निकालने भी बोला था, एफ ऑफ एक्स वाई. ओके, अगेन चलते हैं नेक्स्ट में, जो है एफ ऑफ वाई एक्स. इसको कैसे करेंगे? एफ ऑफ वाई एक्स एट 0,0 को कैसे करना है? ऑफकोर्स अब तक तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है. और ये होगा आपका डेल डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स. समझ में आया? ऑफ कोर्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, ठीक है. इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 एफ एक्स ऑफ 0,k माइनस एफ एक्स ऑफ 0,0 होल थिंग डिवाइडेड बाय अ के. अब इस फॉर्मूला में नेक्स्ट डालेंगे हम लोग. तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग एफ एक्स ऑफ 0,0. ओके, सो ये वाला कलर से करते हैं. सो एफ एक्स ऑफ 0,0 विल बी इक्वल टू, ओके, एफ एक्स ऑफ 0,k निकाल लेते हैं पहले. सो 0,0 तो 0 ही हो जाएगा. ओके, 0,k वाला निकालते हैं. सो विच इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल एक्स, ओके, एट एक्स इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू k, y इक्वल टू k, गलत पेन, गलत कलर, ऊपर वाला मैंने f ऑफ y, हाँ यहाँ पर भी ज़रा सा मिस्टेक हो गया. ओके, एट यहाँ पर आपका होना चाहिए कि f ऑफ y ऑफ एच कॉमा के में आपका होना चाहिए, यहाँ पर x में h होगा. ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ पर h में लिखना भूल गया क्योंकि यहाँ पर h तो होना चाहिए, इज़न्ट इट? यहाँ पर h होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, h होना चाहिए, राइट? और ये है आपका एच कॉमा 0, बिकॉज मैं एच कॉमा 0 निकाल रहा था, इज़न्ट इट?
एच कॉमा जीरो है, ये छोटा छोटा मिस्टेक हो गया, ओके, विच आई फॉरगॉट टू फाइंड आउट, एफ ऑफ एच कॉमा जीरो इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, नहीं ये है जीरो कॉमा जीरो, पहले वाला मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इट्स ऑल ओके, ओके, इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस हियर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट इन द फर्स्ट पार्ट, ये तो जीरो कॉमा जीरो में ही चल रहा है, और ऊपर वाला चल रहा है आपका, हाँ एच मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो, मैंने सोचा था कि एच मैंने लिखा नहीं, तो दैट्स वाई आई वॉज गोइंग अहेड एंड चेकिंग, सो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, देन विच इज इक्वल टू, ओके कलर गलत हो गया, तो वही कलर रखते हैं जिससे कर रहा था मैं, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पर से स्टूडेंट्स अब क्या होगा बताइए, वेरी वेरी सिंपल एक्चुअली, राइट, सो विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वी आर फाइंडिंग ऑफ जीरो कॉमा के एट वाई के, ऑलरेडी दे दिया मैंने, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो होल थिंग डिवाइडेड बाई एन एच, होल थिंग डिवाइडेड बाई एन एच, ओके, सो फ्रॉम हियर वॉट कैन वी गेट, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब इसको करते हैं, ऊपर वाला हो गया एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये हो गया, उसके बाद ये होगा आपका जीरो कॉमा के, ओके ये होगा आपका जीरो कॉमा के, सो यहाँ हो गया आपका प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, ये दोनों कट गया, तो आपका बचा लिमिट, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट द आंसर, इट विल बी जीरो, ठीक है, यहाँ पर से आप डायरेक्टली जीरो लिख सकते हो, f ऑफ x ऑफ जीरो कॉमा के, दैट इम्प्लाइज f ऑफ x ऑफ जीरो कॉमा जीरो इज इक्वल टू डेल f बाय डेल x एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो हो जाए तो ये भी आपका जीरो होने वाला है, ओके, सो अब हम लोगों को f ऑफ x ऑफ जीरो कॉमा के एंड f ऑफ x ऑफ जीरो कॉमा जीरो दोनों ही मिल गया है, अब फाइनली आंसर को करके ख़त्म कर देते हैं, सो f ऑफ अब y x चाहिए, f ऑफ y x एट जीरो कॉमा जीरो विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ k टेंस टू जीरो f x ऑफ जीरो कॉमा k माइनस f x ऑफ जीरो कॉमा जीरो, इसको पूरा पूरी डिवाइड करना k से, सो नाउ व्हेन यू पुट द वैल्यूज व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट दिस, यू आर गोइंग टू गेट लिमिट, ये लिमिट लिखना मत भूलना प्लीज, लिमिट k टेंस टू जीरो जीरो माइनस जीरो बाय k, और इवेंचुअली इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया जीरो, f ऑफ y x एट जीरो कॉमा जीरो भी जीरो आया, तो इज इट इक्वल, आर दे इक्वल, आर द f ऑफ y x एंड f ऑफ x y इक्वल, तो बॉक्स कर देते हैं यहाँ पर और ऊपर वाले में जाते हैं और यहाँ भी बॉक्स किया हुआ है, सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर जीरो, इसको आप इक्वेशन नंबर वन कर देना और नीचे वाले को इक्वेशन नंबर टू कर देना, ओके, और यहाँ लिख देना, सो फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू वी हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दैट f ऑफ एक्स वाई एट जीरो कॉमा जीरो इज इक्वल टू f ऑफ वाई एक्स एट जीरो कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया स्टूडेंट्स, सो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर, और इसको भी आप समझ सकते हो वही 10-15 मार्क्स के तरह ही आएगा, ओके नथिंग लेस देन दैट, ओके, सो प्लीज़ गो होम एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव्स, आपके पास बुक होना ही चाहिए,
So that's it for today. Keep taking as much help as possible from our classes, because all the help that you will be needing will be provided here at Dr. Saurav Sen's classes. Thank you for watching, students. See you in the next video. Bye bye.